सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। वैसे तो ये जो एक्सप्रेसवे है दोस्तों, इसका कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। ये एक्सप्रेसवे है 340 किलोमीटर लंबा, लखनऊ से स्टार्ट होता है और ये जाता है गाजीपुर तक। लखनऊ में चांसराय विलेज के पास से स्टार्ट होता है और ये गाजीपुर तक जाता है। मतलब एक्चुअली अगर आप बोलोगे तो जो उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर है उसके बहुत समीप में ये जाकर समाप्त हो जाता है, अगर लखनऊ से आप स्टार्ट करते हो तो। 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे, स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे का है। वैसे एक्सप्रेस वे को ऊपर ये मैंने दूसरी बार ड्राइव किया है और आज बेसिकली ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इससे आपको जो इस एक्सप्रेस वे के ऊपर जो नई फैसिलिटी स्टार्ट हुई ना, उसके बारे में जानने को मिल जाएगा और साथ ही साथ इसी बहाने हम और आप ड्राइव भी कर लेंगे। तो चलिए, स्वागत है उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा बनाए गए इस वक्त के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पे, जो कि है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। वैसे अभी तो सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे जो है उत्तर प्रदेश का वो यही है भाई, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। लेकिन जैसे ही गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा ना, उसके बाद ये जो रिकॉर्ड है ये गंगा एक्सप्रेसवे को ट्रांसफ़र कर देंगे। हाँ, क्योंकि सबसे लंबा वही हो जाएगा, गंगा एक्सप्रेसवे। अब वैसे मैं आपको बता दूँ, ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है इस पर स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे का है और इस पर हर 25 से 30 किलोमीटर पर आपको वेसाइड एमिनिटीज़ मिलती हैं, जिसमें कि खाने पीने की सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी और फ्यूल स्टेशन भी मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में बेसिकली गुड न्यूज़ ये है कि ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है ना दोस्तों, इस पर CNG की भी फैसिलिटी स्टार्ट हो चुकी है। तो जहाँ जहाँ पर आपको फ्यूल स्टेशन मिलेगा, उसी फ्यूल स्टेशन पे आपको CNG स्टेशन भी मिलेंगे, हर 25 किलोमीटर पे आपको मिलेगा। कई जगहों पे ऐसा है कि ये जो CNG का स्टेशन है ना और गैस स्टेशन यानी कि जो फ्यूल स्टेशन है, उन दोनों को साथ में रखा गया है। लेकिन मोस्टली जगह पे ऐसा है कि ये इंडिविजुअल है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस जगह पर टोरेंट कंपनी द्वारा यहाँ पर ये पूरा CNG स्टेशन बिठाया गया है। बड़े प्रोफेशनल ढंग से ये सर्विस देते हैं। वैसे 12 तारीख को इसी महीने के ये स्टार्ट हुआ है CNG स्टेशन। और इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे अब आप आते हो तो आप अपनी गाड़ी में अगर CNG यूज़ करते हो तो आसानी से अब CNG की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। रिमेनिंग अभी भी कुछ है जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, लेकिन इस महीने के अंत तक सभी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है दोस्तों, अगर आप CNG की सर्विस इस्तेमाल करते हैं तो। सबसे ज़्यादा जो इसमें फ़ायदा होगा ना, वो ट्रैवल एजेंसी को होगा और ख़ासकर जो टैक्सी चलाते हैं, क्योंकि मोस्टली जो टैक्सी है अगर आप देखोगे ना तो उसमें CNG ऑप्ट करते हैं वो, क्योंकि किफ़ायती होता है तो इसलिए वो CNG प्रेफर करते हैं, और जो पैसेंजर होते हैं उनको भी सस्ता पड़ता है। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेस पे अक्सर ये चैलेंज आ रहा था कि भाई CNG है नहीं, तो जो टैक्सी वाले वो पुराना जो रूट है उसको यूज़ करते थे, ट्रैवल टाइम भी ज़्यादा लगता था। अब ये CNG की फैसिलिटी आ गई है तो ज़्यादातर लोग आपको इसको यूज़ करते हुए दिखेंगे, और ख़ासकर जो ट्रैवल एजेंसी की गाड़ियाँ ना भाई, वो तो आपको ज़रूर दिखेंगी। वैसे ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है दोस्तों, इस पर आपको मैनुअल में ऑटोमेटिक की फील मिलती है। जब मैं बिहार अभी गया था दिल्ली से, तो इसी एक्सप्रेसवे को यूज़ करते गया था और भाई वापसी में भी मैं इसी से आ रहा हूँ भाई, वापस दिल्ली को, क्योंकि बहुत सारा टाइम बचा देता है ये। सच बताऊँ, अगर जो पुराना रूट है उसको यूज़ करोगे तब तो भाई आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना टाइम लगने वाला है। इस पर एटलीस्ट ये होता है एक्सप्रेसवे पे कि आपको जो गूगल मैप में टाइम दिखा रहा है ना, ट्रैवल टाइम, उतना ही लगने वाला है, क्योंकि स्लो डाउन तो बिल्कुल भी नहीं होता। और हाँ, स्लो डाउन इसलिए भी नहीं होता क्योंकि आसपास का लोकल ट्रैफिक नहीं है इस पर, बस एक्सेस कंट्रोल के जरिए जो कनेक्ट कर जाते हैं वही इस पर आपको मिलेंगे।
तो ये अच्छा भी है कि इससे ना आपका टाइम बच जाता है और बहुत सारा टाइम बच जाता है। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है ना, जो बड़े बड़े व्हीकल्स चलाते हैं ना, जो ट्रक चलाते हैं उनको, क्योंकि एक भाई थे जो ट्रक चलाते हैं, मैंने उनसे बात करी तो मैंने पूछा कि यार आपको इस एक्सप्रेसवे से फ़ायदा मिलता है आप, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पे ट्रक मुझे बहुत कम मिला है। तो बोला देखो, आप रात को अगर इस पर ट्रैवल करोगे ना तो आपको ट्रकें इस पर अच्छी खासी मिलेंगी, क्योंकि ट्रक क्या है, दिन में अगर मान लो एक्सप्रेसवे को यूज़ कर भी लेते हैं सिटी में जाने के लिए, फिर से उनको साइड में रोकना पड़ेगा, तो वो क्या करते हैं रात के वक्त ज़्यादातर यूज़ करते हैं एक्सप्रेसवे को, दिन में भी आपको मिल जाता है। और दूसरा उन्होंने कहा कि हम सबसे ज़्यादा इसको इसीलिए इस्तेमाल करते हैं एक्सप्रेसवे को, कि एक तो देखो पुलिस का कोई चक्कर नहीं होता है, नहीं तो जो पुराना हाईवे है उस पर तो हर कुछ किलोमीटर पर आपको पता है बैरिकेड्स लगे होते हैं, वहाँ पर उनको चेकिंग करवानी पड़ती है। दूसरा उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि मान लो वहाँ पर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, और मेरी गलती नहीं भी होती है, लेकिन ट्रक वाले के पास में आके कोई टच भी हो जाए, ट्रक वाले की गलती हो या ना हो, सब उस पर चढ़ जाते हैं कि भाई ये तो ट्रक वाले की गलती होगी, मतलब बड़ी गाड़ी है तो ट्रक वाले की गलती होगी। फिर बोलते हैं कि जितने का फ्यूल नहीं जाता, कई बार उससे ज़्यादा का मुआवजा देना पड़ जाता है। और उन्होंने बोला कि लास्ट नाइट जब वो ट्रैवल करके आ रहे थे यूपी में किसी जगह से, तो वहाँ पे किसी भाई की साइकिल लगी हुई थी और उसकी साइकिल इनके ट्रक के सामने गिर गई, तो ऑब्वियस बात है थोड़ा सा टच हो गया। तो उन्होंने बोला कि पूरे गांव वालों ने घेर लिया मुझे, कह रहे कि पैसे दो कि आपने साइकिल तोड़ दिया है। तो बोला ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इसमें टाइम भी बहुत ख़राब होता है और पैसे की भी बहुत वेस्टेज होती है। तो उन्होंने बोला कि इसीलिए हम एक्सप्रेस वे पे आ जाते हैं, एक्सप्रेस वे हमारे लिए वरदान है कि मतलब टोल पे करो और आराम से निकल जाओ, पता है कि इतने ही पैसे खर्च होने हैं। पुराने जो हाईवे हैं उसमें वो बोलते हैं कि हम पैसा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं क्योंकि पता नहीं कि कब कहाँ क्या हो जाए और पैसे देने पड़ जाएँ। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ मिला है जो कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं। वैसे भी आपको पता है अपने देश में जो ट्रक चलाते हैं ना, उनकी लाइफ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इन एक्सप्रेसवे के आने के बाद ना उनकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। वैसे भी नितिन गडकरी साहब ने कह ही दिया है कि जो कमर्शियल व्हीकल है, जो ट्रक्स हैं, अब उसमें भी एसी कंपलसरी कर दिया है उन्होंने, तो एसी दे रहे हैं ट्रक के अंदर, रोड अच्छा दे ही रहे हैं, तो अब क्या ही चाहिए, सबकी लाइफ ईजी होने वाली है। और मेरी तो सबसे ज़्यादा ईजी हो गई है भाई, क्योंकि सच बताऊँ अगर जितना मैंने आज ड्राइव किया है, अगर मैं नॉर्मल हाईवे पे करता ना, अभी तक मेरी टांग जो है दर्द हो जाती, लेकिन इस पे ना कुछ भी फील नहीं हो रहा है। लेफ़्ट वाला लेग तो आराम से रेस्ट करके रखा है मैंने और बस एक्सप्रेसवे पे आनंद ले रहा हूँ। 6 लेन का एक्सप्रेसवे है और ये जो एक्सप्रेसवे है इस पे 3 किलोमीटर लंबा एक एयर स्ट्रिप भी बनाया गया है। तो ये जो आप देख रहे हो जिस पे मैं भी ड्राइव कर रहा हूँ, 3 किलोमीटर लंबा ये हवाई पट्टी है भाई। ये इसलिए बनाया है कि इमरजेंसी के दौरान ना इसको इस्तेमाल किया जा सके एज ए रनवे। इसी वजह से ये कंक्रीट का हिस्सा है यहाँ पर, और इसी वजह से यहाँ पर जो मार्किंग भी की गई है ना, ये इतना सॉलिड किया गया है। वैसे एक्सप्रेसवे का ड्रोन शॉट भी देखोगे तो भाई नेक्स्ट लेवल है। ये वाला जो देख रहे हो इंटरचेंज, ये है जब आप गाजीपुर से इंटर करते हो, ट्रम्पेट इंटरचेंज है ये। और ये भी दृश्य सुबह सुबह का मैंने लिया था, नेक्स्ट लेवल है भाई। और लखनऊ का जो इंटरचेंज है ना, चांदसराय में जो बनाया गया है, जहाँ से लखनऊ में स्टार्ट होता है, वो भी दृश्य कमाल का है भाई। वैसे तो मुझे कनेक्ट करना है लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, तो ये जो पूरा 340 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है इस पे तो मुझे ड्राइव करना ही है। आप भी चाहो तो कर सकते हो भाई, लेकिन इससे क्या ना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बेसिकली छोटा सा शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो था कि अब आप भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को इस्तेमाल कर सकते हो, और ख़ासकर वो मेरे भाई जो ट्रांसपोर्ट लाइन में है ना, उनको ये जानकर बहुत अच्छा लगा होगा कि चलो अब CNG पूर्वांचल पे भी अवेलेबल है। कि लोगों को ये तो पता था कि चलो लखनऊ पे है, लखनऊ मतलब लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, आगरा एक्सप्रेसवे पे भी है। तो ये खबर सभी के लिए अच्छी है, और मुझे पता है सबसे ज़्यादा
वो खुश हो रहे होंगे जिनकी ट्रेवल एजेंसी है, क्योंकि अभी तक यमुना एक्सप्रेस वे पे तो है ही सीएनजी, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे भी था, अब इस पे ऐड हो गया है, क्योंकि 2021 से सबसे ज़्यादा डिमांड में यही था कि भाई सीएनजी इस पे आ जाए, एक बार सीएनजी आ जाए तो मज़ा आ जाए। अब लो भाई आ गई सीएनजी, अब आएगा मज़ा, अब आप उठाओ पैसेंजर दबा के और सीएनजी रिफिल करा के ट्रेवल करते रहो। वैसे सच बताऊँ तो इस एक्सप्रेस वे पे आप अगर ट्रेवल करोगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे, तो आप दिन के वक्त ट्रैवल करो या रात के वक्त ट्रैवल करो, बहुत सेफ है ये, क्योंकि दिन में भी अगर आप देखोगे तो हर कुछ किलोमीटर पे यहाँ पर जो यूपी पुलिस की एक गाड़ी है वो खड़ी रहती है भाई, पीसीआर, ये यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में, और ये हर 2 किलोमीटर पे बनाए हुए हैं इमरजेंसी व्हीकल या पुलिस व्हीकल के लिए जगह इस एक्सप्रेस वे पे। यूपीडा द्वारा ये पूरा एक्सप्रेस वे बनाया है, मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा ये पूरा एक्सप्रेस वे बनाया गया है, और ये सेफ हो दिन के वक्त और रात के वक्त भी, इसीलिए हमेशा आपको पुलिस वाले इस पे मिलते हैं, और ये सबसे बेस्ट कदम उठाया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और गाड़ी भी इनको अच्छी दी है, इनोवा मेरी फेवरेट कार है भाई, है मस्त गाड़ी है, और यही दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को। तो फैसिलिटी इस पे सब कुछ मिलता है, सेफ भी है, सिक्योर भी है, और आप आनंद भी ले सकते हो ड्राइविंग का उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश अपने देश का इकलौता राज्य है जिसको उत्तर प्रदेश नहीं, कुछ दिनों बाद एक्सप्रेसवे प्रदेश बोलेंगे लोग, योगी जी ना एक्सप्रेसवे पे एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, आज बेशक ये एक्सप्रेसवे आपको खाली लग रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार का प्लान ये है कि जितने भी ये इंटरचेंज देख रहे हो ना इस पे बनाए गए हैं, इन सभी इंटरचेंज के पास की जो लैंड है ना वो एक्वायर कर रहे हैं जी योगी जी, और ये करके एक्वायर करके कंपनियों को दे रहे हैं कि भाई आप अपना यहाँ पर इंडस्ट्री बसाओ, आओ हम आपको जगह देते हैं, किसान से खरीद रहे हैं भाई, और ये आप यहाँ पर जब आओगे इंटरचेंज के आसपास ज़मीन पूछोगे ना कि ज़मीन चाहिए मुझे खरीदना है, लोग बोलेंगे है ही नहीं अवेलेबल, क्योंकि ऑलरेडी बिक चुकी है वो, तो आपको ये खाली दिख रहा है, इन्वेस्टर के लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये एक्सप्रेसवे के आसपास ज़मीन खरीदने का, समझ रहे हो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार सुनसान है कौन आएगा इधर, इधर आके ज़मीन के एक बार रेट पूछना, तब आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ तो हर कोई आ रहा है, हम ही नहीं आए अभी तक, क्योंकि हर कोई आके यहाँ पर ज़मीन खरीद रहा है, क्योंकि इंटरचेंज के आसपास ही तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, और जब इंडस्ट्री बसा देंगे ना उसके बाद इस पर और भी आपको ट्रकें दिखने को मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा होगा कि ट्रक वालों को महंगा पड़ता है, टोल महंगा पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, बता दिया आपको कि ट्रक वाले सबसे ज़्यादा प्रेफर एक्सप्रेसवे को ही करते हैं, बस सिर्फ ये है कि ये जो रूट है इस पर कोई इंडस्ट्री नहीं, अगर इंडस्ट्री हो माल ढुलाई उनको यहाँ से मिल जाए तब तो भाई क्या ही कहने हैं, पुराने रूट को इसलिए जाते हैं क्योंकि मान लो एक तरफ से माल लेके जाएंगे तो चलो इस एक्सप्रेसवे को यूज़ कर लेंगे, रिटर्न में तो वो खाली आएंगे क्योंकि इस पर तो कहीं माल मिलेगा नहीं पूरे रास्ते में, पुराने रूट को यूज़ करके आते हैं तो उस पर क्या होता है उनको रिटर्न में माल भी मिल जाता है कहीं पे, कि चलो भाई आप जा रहे हो लखनऊ, ठीक है एक काम करो यहाँ से माल लेके लखनऊ पहुँचा देना, ये लॉजिक है इसके पीछे, ये मत सोचना कि टोल महंगा है इसलिए ट्रक वाले नहीं आते हैं, इसके आसपास इंडस्ट्री बसा दो सबसे ज़्यादा आपको वही दिखेंगे ट्रक वाले, फिर आप बोलोगे यार इतने ट्रक वाले हैं इस एक्सप्रेस वे पे जैसे लोग बोलते हैं ना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का जो हिस्सा स्टार्ट हुआ है उस पर आप ड्राइव करके देखो जरा, आप दिल्ली से जयपुर इतने ट्रक्स हैं भाई, क्योंकि कमर्शियल है पूरा इंडस्ट्रियल है उसके आसपास एरिया, जयपुर से माल आता है दबा के दिल्ली में, उसके बाद सब्जियां भी आती है सुबह सुबह, आपको सिर्फ सब्जियों के व्हीकल मिलेंगे क्योंकि मंडी में आती है सुबह सुबह राजस्थान से सब्जी, तो ये अपने दिमाग से निकाल दो भाई कि एक्सप्रेसवे पे ट्रकें नहीं दिखती हैं या ये एक्सप्रेसवे खाली है, इसके आसपास 4-5 साल बाद देखना तुम यही एक्सप्रेसवे, आप कहोगे कि यार ये पूरा भरा रहता है, क्योंकि इंडस्ट्री जैसे आई ना गेम बदल जाएगा पूरे एक्सप्रेसवे का, और यही प्लानिंग है योगी जी की कि पहले एक्सप्रेसवे बनाओ, पहले लोगों को रास्ता दो, रास्ता जैसे ही मिल जाएगा उसके बाद कंपनियां खुद ही आएंगी और वो डिसाइड करेंगी कि उनको कहां पे सेटअप करना है, उनको उन्होंने एक ऑप्शन नहीं दिया मल्टीपल ऑप्शन दिया है, योगी जी चाहते हैं कि हर लोकेशन में कंपनियां सेटअप हो जाए ताकि ना किसी को पलायन ना करना पड़े, मतलब ऐसा ना हो कि ईस्ट यूपी वाले को वेस्ट यूपी पर डिपेंड रहना पड़े कि यार रोजगार तो वेस्ट यूपी में ही मिलेगा, इसलिए इन्होंने ईस्ट यूपी में भी जितना ध्यान दिया उतना वेस्ट यूपी पे भी दिया है, ईस्ट यूपी में एक्सप्रेसवे पे एक्सप्रेसवे बन रहा है, वेस्ट यूपी में आपको आरआरटीएस दिख जाएगा, एक्सप्रेसवे तो है ही वहाँ पे ऑलरेडी, तो ये सच में गेम चेंजर होने वाला है,
और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इस राज्य का ना जवाब नहीं है भाई। अगर आप पर्सनली मेरे से पूछोगे ना, तो सबसे बेस्ट जो मुझे लगा ना इस एक्सप्रेसवे पे, वो ये था कि यहाँ पर ये जो पुलिस व्हीकल है ना, वो दिन के वक्त भी, सुबह के वक्त भी, रात के वक्त भी हमेशा रहते हैं यहाँ पे अवेलेबल। सिर्फ लिखने को नहीं है, अवेलेबल भी रहते हैं ये। तो चलो इसी नोट के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ भाई। ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था कि फाइनली अब आपको सीएनजी की फैसिलिटी मिलेगी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और मैं जल्द ही आपसे मिलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। अभी तो मुझे अच्छा खासा ड्राइव करना है, क्योंकि लखनऊ जाऊँगा, लखनऊ से फिर ड्राइव करके आगे आगरा पहुँचूँगा, आगरा से फिर ड्राइव करके गुड़गांव जो पहुँचना है। तो चलो ऐसा लगता है कि रात हो जाएगी भाई गुड़गांव पहुँचते पहुँचते। चलो आप अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आपसे मिलता हूँ। बाय बाय।